हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कल रात बीटीएस के मेंबर सुगा पुलिस स्टेशन गए थे, क्योंकि पुलिस को सुगा के केस की वजह से उसके साथ जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन करनी थी। एंड सुगा की ये इन्वेस्टिगेशन कल पूरी भी हो चुकी है। तो कल पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ और सुगा ने मीडिया को क्या स्पीच दी, इसे हम आज इस वीडियो में हिंदी में जानेंगे। तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कल सुबह से योंगसान पुलिस स्टेशन, जहां पर सुगा को आना था, तो वहां पर 100 मीडिया सुगा का इंतजार कर रही थी। एंड फिर सुगा अपनी कल की मिलिट्री सर्विसेज की ड्यूटी को खत्म करके रात में लगभग 7:45 तक योंगसान पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। सुगा जब अपनी कार से उतरे तो सुगा के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट और सुगा अपने इस एक्शन की वजह से कितना रिग्रेट कर रही है, तो ये सब साफ साफ सुगा के फेस पर दिख रहा था। सुगा यहाँ पर अपने लॉयर के साथ आते हैं, जो कि सुगा के केस को हैंडल करेंगे। देन आगे आकर सुगा मीडिया के सामने खड़े हो जाते हैं और बार बार सिर झुकाकर सुगा सॉरी बोलने लगते हैं। सुगा कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी, मैं सच में मेरे फैंस और बाकी लोगों को डिसअपॉइंट करने के बाद मेरे एक्शन पर पछता रहा हूँ। मैं इन्वेस्टिगेशन में अपनी पूरी ईमानदारी दिखाऊंगा, फिर से मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी। देन इसके बाद सुगा डायरेक्टली अपने लॉयर के साथ स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सुगा की ये इन्वेस्टिगेशन उसके इतने से छोटे केस के लिए भी 3 घंटे तक चलती है। 3 घंटे तक के मीडिया भी सुगा का भारी इंतजार कर रही होती है। देन जब सुगा बाहर आते हैं तो सुगा फिर से मीडिया के सामने कहते हैं कि मैं दिल से सॉरी फील कर रहा हूँ, मेरे गलत काम की वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट और पेन दूसरों को सहना पड़ा है, तो उसके लिए मैं फिर से तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ये वादा करता हूँ कि ऐसा इंसिडेंट फिर से मेरी तरफ से कभी नहीं होगा। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि आर्मी, उन्हें भी सॉरी मैं बोल रहा हूँ, वंस अगेन आई एम सॉरी। फिर इसके बाद मीडिया सुगा से पूछने लगती है कि पुलिस ने तुमसे क्या क्या पूछा, एक्सीडेंट के बाद तुमने खुद पुलिस को क्यों नहीं बताया, तुमने तो सिर्फ बियर पी थी, तो तुम्हारे बॉडी में इतना हाई अल्कोहल कैसे था, क्या तुम बीटीएस को छोड़ने वाले हो। तो ये सभी क्वेश्चन मीडिया सुगा से पूछने लगती है, जिस पर सुगा कोई भी जवाब नहीं देते हैं। और सुगा के बॉडीगार्ड सुगा को मीडिया से बचाकर सेफली उसे कार में बैठाकर यहां से भेज देते हैं। तो दोस्तों, सच में सुगा के साथ जो इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, तो इसे सुगा बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। सुगा का केस तो बहुत छोटा सा है, पर फिर भी सुगा इस वक्त के मीडिया और पुलिस की तरफ से एक क्रिमिनल जैसे ट्रीट करे जा रहे हैं, जिसे देखकर हमारे फैंडम के सभी फैंस को बहुत दुख हो रहा है। साथ ही साथ कल सुगा को सपोर्ट करने के लिए आर्मी ने भी बहुत अच्छी कोशिश करी थी। आर्मी, ट्विटर, वीवर्स, इन सभी ऐप पर सुगा के लिए स्वीट मैसेजेस और सपोर्टिव मैसेजेस शेयर कर रही थी। एंड सुगा, क्योंकि बार बार हम आर्मी से सॉरी बोल रहे थे अपने गलत एक्शन के लिए, तो इसीलिए कल आर्मी सुगा के सॉन्ग्स को स्ट्रीम कर रही थी, उन्हें वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करा रही थी, जिससे सुगा को ये बात पता चले कि हम आर्मी सुगा को बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रहे हैं और हम सुगा के साथ डट कर खड़े हैं फाइट करने के लिए। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, सुगा को जिस तरीके से कल पुलिस स्टेशन के बाहर ट्रीट करा गया, तो इस पर आपका क्या कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।